ऑडियो सिक्स बाल निर्माण की कहानियां भाग हाँ तीन लेखिका डॉक्टर आशा सरसेज शीर्षक प्रायश्चित मुक्ति बड़ी होनहार लड़की थी वह अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आती थी और पुरस्कार जीतती थी यही नहीं उसके व्यवहार के कारण स्कूल में सभी उससे प्यार करते थे वह सदैव सच ही बोलती थी साथियों से प्यारी बातें करती थी सबकी सहायता करती थी यह सब उसके माता पिता की सीख का परिणाम था उसकी माँ सोते समय अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी उनसे उसे अच्छा बनने की प्रेरणा मिलती थी मुक्ति अब चौथी कक्षा में आ गई थी वह कक्षा की मॉनिटर भी थी उसकी कक्षा में इस बार बाहर से एक लड़की आई उसका नाम पूनम था पूनम जल्दी ही मुक्ति की सहेली बन गई यू पूनम पढ़ने लिखने में अधिक होशियार न थी पर वह रोज नए नए कपड़े पहनकर आती थी साथियों को खूब ही चाट खिलाती थी इससे बहुत सी लड़कियां उसकी सहेली बन गई थी पूनम के पिता बड़े धनी थे वे उसे भी बहुत सा जेब खर्च देते थे और उसे पूनम अनाप शनाप चीजों में खर्च करती रहती थी जेब खर्च तो मुक्ति को भी मिलता था पर उसकी माँ कहती थी बेटी बाजार की सड़ी गली चीजें या चार्ट चॉकलेट खरीदने में इसे खर्च न करना कभी कभी ये चीजें खा लेना पर रोज की आदत न बनाना अक्सर होता यह था कि जो भी फल या कोई चीज के लिए बच्चे कहते तो मुक्ति की माँ स्वयं ही बाजार जाकर उसे खरीद लाती या फिर घर में बना लेती फिर सब मिलकर उसे खाते मुक्ति की माँ ने उसे एक सुंदर भालू वाली गुल्लक लाकर दे दी थी मुक्ति अपने रोज के पैसे उसमें ले जाकर डाल देती थी कभी कभी वह गुल्लक से पैसे निकालती थी पूनम का रोज का ही काम था कि खाने की छुट्टी में वह तरह तरह की चीजें खाया करती थी वह अकेली ही नहीं खाती थी अपनी सहेलियों को भी खिलाती थी मुक्ति अपना खाना खा रही होती तो वह जबरदस्ती उसे ले जाती और कहती मुक्ति खाना तो घर पर खाते ही हैं, आओ आज गोलगप्पे खाएंगे मुक्ति कहती नहीं मैं पैसे नहीं लाई हूँ कोई बात नहीं मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी पूनम कहती मुक्ति उसे समझाती कि तुम मेरे पैसे क्यों दोगी तो पूनम बोलती कि तुम मेरी सहेली ना इसलिए पर यह सारा खाना बेकार जाएगा मुक्ति कहती पूनम कहती वह सारा खाना लेकर रास्ते में कुत्ते को डाल देगी धीरे धीरे पूनम के साथ रहकर मुक्ति को भी बाजार की चीजों में पैसे खर्च करने की आदत बन गई। कुछ दिन तक तो पूनम ने अपने पैसों से खिलाया फिर एक दिन बोली क्यों मुक्ति तुम्हें जेब खर्च के लिए पैसे नहीं मिलते हाँ मिलते तो हैं मुक्ति ने उत्तर दिया तो फिर तुम रोज रोज पैसे क्यों नहीं लाती हो पूनम ने पूछा मैं उन्हें जोड़ती रहती हूँ उनसे कभी कोई चीज खरीद लेती हूँ कभी कोई अब की बार अपने छोटे भाई के जन्मदिन पर उछलने वाला मेढक खरीदूंगी ओह मुक्ति तुम किस चक्कर में फंसी हो रोज रोज चीज खाने में जो मजा आता है वह पैसे जोड़ने में कहा आता है पूनम ने सबक दिया पूनम की संगति से धीरे धीरे मुक्ति भी चटोरी बनने लगी अब वह रोज पैसे लाने लगी घर से लाया खाना वह किसी लड़की को दे देती तो कभी कुत्ते के आगे डाल देती घर की चीजें अब उसे नीरस लगने लगी एक दिन मुक्ति की गुल्लक के भी सारे पैसे खर्च हो गए वह सोच रही थी कि आज मैं चॉकलेट कैसे खरीदूंगी तभी उसकी निगाह मेज पर रखे माँ के पर्स पर पड़ी मुक्ति ने एक बार सतर्क निगाहों से चारों ओर देखा और फिर छट से पांच रुपए का एक नोट निकाल लिया पर्स में काफी रुपए थे अतएव मुक्ति की यह चोरी किसी की पकड़ में न आई अब तो मुक्ति और भी निर्भीक बन गई कभी वह माँ के पर्स से पैसे निकालती तो कभी पिता की जेब से माता पिता परेशान थे कि आखिर रुपए कौन चुरा ले जाता है उनका संदेह महरी पर गया पर महरी तो कमरे के अंदर आती तक न थी वह बाहर से ही काम करके लौट जाती थी दूसरे जब महरी काम करती थी तो दादी अम्मा बाहर बरामदे में बैठी उसकी निगरानी करती थी मुक्ति के माता पिता समझ नहीं पा रहे थे कि रुपए आखिर कहाँ जाते हैं मुक्ति और उसके भाई बहनों से कुछ माता पिता पूछते तो वे भी साफ मना ही कर देते थे कि हमने तो रुपए नहीं देखे एक दिन घर में बहुत से मेहमान आए थे मुक्ति की मां ने उसके पिताजी से कहा कि वह मेहमानों के खाने के लिए बाजार से चीजें ले आए पिताजी ने जल्दी से पैंट बदली थैला उठाया और बाजार चल पड़े बाजार में मुक्ति के पिताजी ने पहले बहुत सारे फल खरीदे उन्होंने रुपए देने के लिए जेब से पर्स निकाला पर यह क्या वहाँ तो एक भी रुपया नहीं था कुछ पैसे मात्र पड़े थे पर आज सुबह ही तो उन्होंने पांच पाँच के दो नोट रखे थे अब तो उनका सर चकरा गया कि पैसे आखिर गए तो गए कहा किसने कब निकाल लिए फल वाले ने मुक्ति के पिताजी को बड़ा अपमानित किया कहा बाबूजी, पहले घर पर ही अपना पर्स देख लिया कीजिए फिर बाजार आया कीजिए यदि खरीदने की सामर्थ्य नहीं है तो व्यर्थ में किसी भले आदमी को तंग न कीजिए मुक्ति के पिताजी अपमान का घूंट पीकर रह कर रह गए अपना समूह लेकर वे घर की ओर बढ़ने लगे उन्होंने समझा कि मुक्ति की मां ने बिना कहे पैसे निकाल लिए हैं। इसलिए आते ही उन पर झल्लाने लगे पर मुक्ति की मां ने तो पैसे निकाले नहीं थे उन्होंने भी कह दिया कि मैंने तो आपका पर्स छुआ तक नहीं है घर में जो कुछ भी था वह खिला पिलाकर मेहमानों को विदा किया गया है रात के समय प्रतिदिन की भांति घर के सभी सदस्य मिलजुल कर बैठे मुक्ति के पिताजी ने बताया कि किस प्रकार आज उन्हें फल वाले से अपमानित होना पड़ा था उसने किस प्रकार से उन्हें लताड़े लगाई थी पिता के मुंह से यह सब सुनकर मुक्ति का बाल मन बिलक उठा वह सोचने लगी कि मेरे कारण ही पिताजी को इतना अपमानित होना पड़ा है वह झिझकते हुए बोली पिताजी मुझे माफ कर दीजिए मैंने ही आज आपकी जेब से पैसे चुराए थे माँ मुक्ति को डांटने वाली थी पर पिताजी ने उन्हें मना कर दिया उन्होंने मुक्ति से सारी बातें विस्तार से पूछी कि किस प्रकार से उसे चोरी करने की आदत पड़ी है मुक्ति ने सच सच सब बता दिया उसने अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि पूनम के साथ रहकर ही उसे चटोरेपन की लत लगी है इसी के कारण उसने चोरी करना सीखा है मुक्ति के पिताजी बोले जीव जब चटोरेपन की आदि बन जाती है तब हमारा स्वास्थ्य तो खराब होता ही है साथ ही हमें अनेक बुरी आदतें भी आ जाती हैं। तुम देख ही रही हो कि अपनी इस आदत के कारण तुमने चोरी करना सीखा चोरी को न खुलने देने के लिए झूठ बोलना सीखा इस प्रकार कितनी ही गंदी आदतें तुम में आ गई हैं। तुम गंदी बच्ची बन जाओगी तो फिर न हम तुम्हें प्यार करेंगे न स्कूल में कोई तुमसे बात ही करेगा मुक्ति रोते हुए पिता से लिपट गई और बोली पिताजी अब मैं पूनम के साथ नहीं रहूंगी उसी से मैंने ये गंदी आदतें सीखी हैं। अब मैं बाजार की चीजों में पैसे नहीं बिगाड़ूंगी सुपारी और चॉकलेटों के लिए चोरी नहीं करूंगी। अब की बार बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए रोती हुई मुक्ति के सिर पर पिता ने हाथ फिराया और बोले बेटी हमें विश्वास है कि तुम अच्छी लड़की बनने की कोशिश भी करोगी तुम अच्छे काम करते हो तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है हमारा सिर गर्व से ऊंचा होता है पर तुम्हारे बुरे काम करने पर हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं आता जो तुम्हें अच्छा न बना पाए तुम बच्चे हमारे जीवन की साधना हो बेटी तुम्हारे व्यवहार से लोगों को तुम्हारा नहीं हमारा परिचय मिलता है कि हम कैसे हैं। यह कहते कहते पिता का गला रूंद गया पिताजी की बात सुनकर मुक्ति फफक फफक कर रो उठी यह आंसू पश्चाताप के आंसू थे उस दिन से फिर मुक्ति ने चटोरापन झूठ बोलना और चोरी करना छोड़ दिया अब वह एक ही बात की कोशिश करती है जैसा पिताजी चाहते हैं मैं वैसा ही बनूंगी इससे उन्हें खुशी होगी शीर्षक भूत का शिशिर को कहानी सुनने का बहुत शौक था वह और उसकी बड़ी बहन शैव्या दोनों रात को दादी माँ को घेर लेते और कहते दादी माँ हमें कहानी सुनाओ कभी वे शेर की कहानी की फरमाइश करते तो कभी राक्षस की कहानी की उनकी दादी माँ को सैकड़ों कहानियाँ याद थीं। वे उन्हें तरह तरह की नई नई कहानिया रात को सुनाया करती थीं। शिशिर का एक दोस्त था मनोज मनोज को भी कहानियां बड़ी अच्छी लगती थी उसकी दादी माँ तो गाँव में रहती थी और मम्मी कहानी सुनाती नहीं थी इसलिए मनोज कहानियों की तरह तरह की पुस्तकें पढ़ता रहता था मनोज अपने पिताजी से कहता पिताजी हमें कहानियों की पुस्तक ला दीजिए पर वे उसे झिड़क देते वे कहते अपने ही पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़ो उनमें मन लगाओ पर मनोज सारे दिन पाठ्य पुस्तकें भी कहाँ तक पढ़ता परिणाम यह हुआ कि वह अपने जेब खर्च के पैसों में से चोरी छिपे कहानी की पुस्तकें घर पर लाने लगा मनोज आजकल भूत प्रेतों की पुस्तकें पढ़ता रहता था वह शिशिर को भूत प्रेतों की अनेकों कहानियां सुनाता रहता था शिशिर अपनी दादी माँ से पूछता दादी भूत प्रेत सचमुच में होते हैं? वे कहती नहीं बेटे नहीं होते पर मनोज कहता था कि भूत प्रेतों की बातें सच्ची होती हैं। शिशिर के भोले मन में भी यह विश्वास जमता जा रहा था अब वह डरपोक भी बनता जा रहा था अंधेरे में जाने से उसे डर सा लगता वह सोचता कहीं भूत न आ जाए अंधेरे कमरे में जाता तो शैफिया को साथ लेकर जाता कमरे में अकेला रह जाता और खड़खड़ की आवाज होती तो चीख जाता शिशिर चारों ओर नजरें घुमाकर देखता कि कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया है दादी माँ उसकी इस आदत से बड़ी तंग थी वे बार बार उसे समझाती थी की डरपोक न बनो उस समय तो वह उसकी बात मान लेता पर बाद में फिर उसे डर लगने लगता एक रात की बात है कि शिशिर की नींद आधी रात में खुली उसे पेशाब करने के लिए बाहर जाना था उसने अपने बहिन शैव्या को जगाया शैव्या ने बिजली जलाई पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो बिजली गायब हो गई। अब तो शिशिर डर के मारे कांपने लगा जैसे तैसे वह वा वापस लौट अंदर आया बाहर खूब आंधी और तूफान था शैव्या ने बड़ी कठिनाई से दरवाजा बंद किया शैव्या तो जाकर सो गई, पर शिशिर की आंखों में नींद न थी हवा की तेज आवाज और बिजली की कड़क उसे डरा रही थी थोड़ी देर बाद उसे लगा कि छत पर बैठकर कोई पत्थर फेंक रहा है छत से खूब जोर जोर से खटखट -खट की आवाज आ रही थी तीन की छत खूब जोर जोर से गूंज रही थी शिशिर डर कर शैव्या से लिपट गया बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई नींद में उसे डरावने सपने आते रहे सपने में उसने देखा कि एक काले रंग का भूत अपने बड़े बड़े दांत निकाले उसकी ओर दौड़ रहा है वह चींक उठा शिशिर की चींक सुनकर दादी माँ दौड़ी आई उन्होंने देखा कि वह चार पाई पर पड़ा डर के मारे कांप रहा है। क्या बात है बेटे उन्होंने शिशिर के सिर पर हाथ फिराते हुए पूछा दादी माँ से लिपटते हुए शिशिर बोला भूत भूत कहाँ है भूत दादी ने पूछा शिशिर ने सपने की सारी बात सुना दी पर वह तो सपना था तुम तो उल्टी सीधी बातें सोचते रहते हो ना इसलिए तुम्हें वैसे ही सपने भी आते हैं जो हम सोचते हैं वही सपने में देखते हैं दादी शिशिर को समझा रही थी पर भूत तो रात में ही आया था सचमुच में आया था दादी शिशिर कह रहा था तुम्हें कैसे पता क्या तुमने उसे देखा था दादी माँ ने शिशिर से पूछा नहीं दादी वह हमारे कमरे की टीन की छत पर बैठा पत्थर फेंक रहा था शिशिर ने बताया दादी कुछ कुछ मुस्कुरा पड़ी उन्होंने शिशिर का हाथ पकड़ा और ठंड में ही बाहर ले गई जीने से ऊपर चढ़कर वे छत पर पहुँचे शिशिर ने वहाँ पर जाकर देखा कि अभी भी बड़े बड़े ओले जमे हुए पड़े हैं दादी हंसकर शिशिर से बोली देख रहे हो रात में खटखट की आवाज किसकी हो रही थी भूत प्रेत कुछ भी नहीं था ओले बरस रहे थे उनकी आवाज थी शिशिर आंखें फाड़ फाड़ कर उन ओलों को देख रहा था वह सोच रहा था कि उसकी सारी कल्पनाएं बेकार थीं, अकारण ही वह इतना डरा दादी माँ खड़ी हुई अभी भी समझा रही थी शिशिर बेटा भूतों को मानना अंधविश्वास ऐसी बिना सिर पैर की बातों को मानने से कोई लाभ नहीं है इससे हमारा आत्मविश्वास समाप्त होता है और भय की भावना बढ़ती है आदमी कायर व डरपोक बनता है कायर व्यक्ति कभी किसी काम में सफल नहीं होता तुम बहादुर बनो बेकार का डर छोड़ो दादी की बात शिशिर की समझ में आ गई थी अब उसे अंधेरे में जाने से डर नहीं लगता भूत प्रेतों की कहानियों पर भी वह विश्वास नहीं करता शीर्षक अपना काम अपने आप जीतू को अपने मोती कुत्ते से बहुत प्यार था वह उसकी खूब देखभाल करता था रोज नहलाता था रोज समय पर उसे खाना खिलाता था जीतू मोती को बहुत सी बातें सिखाता जैसे तेजी से दौड़ना ऊपर उछलना किसी चीज की पहचान करना आदि धीरे धीरे मोती बहुत शरारती होता जा रहा था एक दिन उसने छलांग लगाई बरामदे में लटके चिड़िया के घोंसले को गिरा डाला जीतू स्कूल से आया तो उसने पाया कि घोंसला टूटा पड़ा है तिनके जमीन पर बिखरे पड़े हैं और चिड़िया ची ची करके रो रही है मोती भौ भाव करके चिड़िया को भगाने की कोशिश कर रहा है जीतू पल भर में समझ गया कि यह सब करतूतें मोती की ही हैं। उसने मोती के दोनों कान खींचे एक चपत लगाई और समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए माँ बोली देखो यह बेचारी चिड़िया कितने दिनों से जुटी है एक एक करके तिनके बीन कर लाती है कितनी मेहनत से इसने घोंसला बनाया है इस मोती ने एक ही झटके में इसकी सारी मेहनत पर पानी फिरा दिया ओह बेचारी नन्ही चिड़िया जीतू के मुंह से निकला फिर वह सोचकर बोला माँ गलती मोती की है मैं उस गलती का प्रायश्चित करूंगा कैसे बेटे माँ ने पूछा मैं चिड़िया का घोंसला बनाऊंगा जीतू कहने लगा माँ बोली पर बेटे चिड़िया उसमें बैठेगी नहीं अंडे नहीं देगी वाह माँ तुम भी क्या बात करती हो मैं इतना बढ़िया घोंसला बनाऊंगा कि चिड़िया देखती रह जाएगी वह आराम से उसमें बैठेगी और मजे से अंडे देगी जीतू बोला जीतू की माँ कुछ नहीं बोली वह जानती थी कि जीतू अपने मन की करेगा जरूर फिर जीतू के घोंसले में चिड़िया भले ही न बैठे माँ को उसमें हर्ज भी क्या था जीतू इसी बहाने एक नया काम जो सीख लेगा दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी जीतू नाश्ता करके तैयार होकर अपने काम में जुट गया उसने बाग से सूखे तिनके इकट्ठे किए कुछ टहनिया लाया बेकार पड़े तार से घोंसले का एक सांचा बनाया फिर उसने आड़े तिरछे करके तिनके लटकाए जैसे तैसे घोंसला बनकर तैयार हुआ तब जीतू ने उसके अंदर रुई की मुलायम मुलायम परतें बिछा दी यू वह घोंसला बाहर से देखने में अधिक सुंदर तो नहीं था परंतु अंदर से वह बड़ा आराम देह लग रहा था जीतू ने घोंसला शहतीर पर लटका दिया वह बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था मन ही मन सोच रहा था कि चिड़िया आएगी तो घोंसला तैयार देखकर खुशी से फुदकेगी फिर वह इस घोसले में नन्हे नन्हे अंडे देगी उनसे बच्चे निकलेंगे वे ची ची करके बोलेंगे घर में फुदकेंगे पर जीतू की सारी कामनाएं व्यर्थ गईं। शाम को चिड़िया और चिरौटा आए उन्होंने अपनी चोंच से घोसले का एक एक तिनका निकाल कर फेंक डाला जीतू दौड़ा दौड़ा माँ के पास गया और रुआसा होकर बोला माँ चिड़िया ने तो सारा घोंसला ही नोच कर फेंक डाला बेटे मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था ये छोटे छोटे जीव जंतु भी स्वावलंबी होते हैं, अपनी मेहनत से स्वयं अपना ही काम करते हैं हम ही हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं आराम तल भी चाहते हैं। माँ बोली तो माँ मेरा आज का सारा परिश्रम बेकार ही गया चीतू पूछने लगा माँ ने समझाया नहीं बेटे पहला सबक तो तुम्हें चिड़िया से यह मिला कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए अपना काम दूसरों से कराने की आदत अच्छी नहीं है दूसरे भले ही यह चिड़िया तुम्हारे बनाए घोसले में बैठे पर तुमने सारी चीजें एक स्थान पर रखकर उसकी सहायता तो की है जीतू ने दूसरे दिन स्कूल से आकर देखा कि चिड़िया और चिरौटे ने मिलकर उसके बनाए घोसले के सारे तिनके निकाल लिए हैं। उन तिनकों से उन्होंने पास में ही एक नया घोसला बना लिया है वे दोनों ही बड़ी प्रसन्नता से बैठे बैठे ची 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 करके शोर मचा रहे हैं माँ बोली देखा जीतू तो। आज ये दोनों कितने खुश हैं? यह खुशी अपने श्रम की सफलता की है स्वयं परिश्रम करके जो कार्य किया जाता है उसी में सच्चा आनंद मिलता है आज ये दोनों दिन भर घोसला बनाने में ही जुटे रहे हैं जीतू सोचने लगा कि यह नन्ही चिड़िया भी अपना काम अपने आप करती है किसी पर बोझा नहीं बनती फिर मैं भी अपना सारा काम माँ पर क्यों छोड़ू मैं भी अपना अधिकतर काम अपने आप ही करूँगा अब जीतू अपने आप जूतों पर पॉलिश करता है खुद अपना स्कूल का बस्ता लगा कर रखता है प्यास लगने पर माँ को आवाज नहीं लगाता वर्ण अपने आप पानी लेकर पी लेता है अपनी चीजें भी संभाल कर स्वयं रखता है माँ उसे अब बाद बाद में टोकती भी नहीं है वे उसकी सभी से प्रशंसा करती रहती है